बैंक जून फ्यूचर्स खरीदारी की सलाह है। 1467 चल रहा है अभी, यहाँ पे खरीदे एंड स्टॉप लॉस रहेगा 1437 पे। सो एक 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। डाउनसाइड रिस्क अप्रोक्सीमेटली 2% रहेगा चाहिए। एंड टारगेट ऊपर में इसके जो है दैट कम्स टू ऑलमोस्ट 1512 1512 एंड दूसरा टारगेट रहेगा 1530। सो 1512 1530 ये दो टारगेट्स के लिए इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स को खरीदना है। जून फ्यूचर्स अंजन जी में सलाह दे रहा हूँ एंड मुझे 1512 तक अंजन जी कोई इसमें हर्डल मेजर नजर नहीं आ रहा। जो हर्डल था इसका दैट वाज इन द रेंज ऑफ से 1450 1460 एंड 60 के ऊपर निकला है, तो जस्ट एक ब्रेकआउट आया ही है यहाँ पे। मोमेंटम में एक बुलिश क्रॉसओवर भी देखने मिल रहा है एंड अच्छी बात अंजन जी ये है कि ये स्टॉक में जो एक ब्रेकडाउन आया था, डिसीसिव ब्रेकडाउन आया था 1440 के नीचे, उसके नीचे ज्यादा टिका नहीं, गिरा नहीं एंड उसके ऊपर फिर से आ चुका है। सो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ पैटर्न, बेरिश पैटर्न फेलियर एज वेल, तो उसमें अपोजिट मूव हमें जल्दी देखने मिलता है। तो इंडसइंड बैंक ये है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने के आए, और मुझे भी ये स्टॉक काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है दीप। मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया एक्शन में ये बनने के तैयार है। तो एक ऐसा बैंक जो ज़्यादा एक्शन में अभी तक आया नहीं है, चलने को तैयार भी।